हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट टू वीडियो, और इसमें पार्ट टू में पढ़ेंगे टाइप टू को। टाइप टू में पढ़ना है दोस्तों लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन सारे चीज़ों को आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कैसा कैसा और किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं लेटर क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों, कोई भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेट का कोई नंबर देगा या अल्फ़ाबेट कोई लिख देगा, उससे रिलेटेड कोई उसका अपोजिट नंबर होगा या उसका क्रमांक होगा, या तो विपरीत क्रमांक होगा या तो सही दिशा में गिना गया क्रमांक होगा, उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और उस पर आधारित क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये हमारा उदाहरण है, इसमें कहा क्या इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट दिया है चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको क्या अलग है जो बिल्कुल भिन्न है उसको आपको चूज करना है। इसके लिए क्या करिए कि आपको क्रमांक अल्फ़ाबेट के याद होना चाहिए, अगर क्रमांक पर आधारित बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं इसका क्रमांक क्या हो सकता है। क्यू 17 होगा, यहाँ लिख लेते हैं क्यू एस डब्ल्यू। क्यू का 17 होगा, एस का 19 होगा और डब्ल्यू का होता है 23। इनके बीच 2 का अंतर है और इसके बीच 19 और 23 के बीच 4 का अंतर है। ठीक, चलिए यहाँ भी देखते हैं, जे का क्रमांक 10 होगा, एल 12 होगा, पी 16 होगा। ठीक, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 10 और 12 के बीच 2 का है अंतर, और 12 और 16 के बीच भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि ये ए और बी में हमारा डिफरेंट सेम आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए 3 है, 5 है और 9 है, यहाँ भी 2 का अंतर है और 4 का अंतर है। हम देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन तो सेम एक ही प्रोसीजर पर है कि सबका डिफरेंट बराबर है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या होता है, क्यू 17, एस 19, के 11। तो देखिए यहाँ आपका 2 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर आ गया, 8 का अंतर आ गया, 8 का अंतर है ना, 8 का अंतर आ गया। अर्थात ये हमारा तीनों एक ही श्रेणी पर काम कर रहे हैं, एक ही रूल पर, लेकिन इनके डिफरेंट कितना हो गया, 2 और 8 का हो गया ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग है, है ना, समझ में आया ना दोस्तों। चलिए और भी उदाहरण है, आइए इसको नेक्स्ट उदाहरण को हम देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें क्या कहा है, इन्हें बताना है कि विजातीय हो या भिन्न हो या इनमें से कौन अलग हो। बात एक ही, इसमें कहा विजातीय कौन है, अर्थात ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको किस आधार पर ये बिल्कुल भिन्न लगते हैं इसमें थोड़ा सोचना होगा। अगर क्रमांक पर देखिएगा, थोड़ा क्रमांक पर चेक करिए क्या इसके हो सकते हैं, क्रमांक चेक करिएगा तो जे है, अगर जे है, जे 10 हो गया, एस 19, ए 1, एफ 6, ई 5, क्या हमको मिल रहे हैं। अगर डिफरेंट लीजिएगा तो जरूरी नहीं कि जो पिछला क्वेश्चन में डिफरेंट पड़ता है तो सभी क्वेश्चन में डिफरेंट ही होगा, ऐसा नहीं। इसमें किस आधार पर दिया आपको खुद सोचना है कि डिफरेंट के आधार पर आ रहा है कि या फिर और कोई चीज़ अपोजिट करने पे आ रहा है, ये आपको खुद सोचना है। देखते हैं डिफरेंट पर क्या है, डिफरेंट पर हम देख रहे हैं यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ हो गया 18 का अंतर। ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ मिलने वाला खास नहीं है, यहाँ 5 का अंतर हो गया, समान डिफरेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे आप तो जेड का 26, जी 7, पी 16, के 11, यू 21, है ना। तो करेंगे तो यहाँ भी आपका कितना का अंतर हो गया, देखिए आपका हो गया 19 का अंतर, सॉरी, हाँ 19 का अंतर हो जाएगा। ये देखिए, ये घटाएंगे तो आपका 9 का, इसमें कोई डिफरेंट लग रहा है नहीं, अर्थात ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न आ रहा है, अर्थात इस विधि को हम अप्लाई करेंगे ही नहीं। यहाँ पर दूसरा विधि अप्लाई करेंगे, एक विधि अप्लाई करिए कि इसमें देखिए कि जो वॉवल्स के आधार पर करिए कि इनमें कितने वॉवल्स हैं, इनमें कितने वॉवल्स हैं, इनमें वॉवल्स अगर देखेंगे दोस्तों तो इनमें वॉवल्स आए हैं हमारे कितने हैं, एक एक हैं और 2 हैं, इनमें कितने वॉवल्स हैं, अगर वॉवल्स देखेंगे, वॉवल्स इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने वॉवल्स हैं, एक वॉवल्स है, है ना, एक वॉवल्स आया, इसमें इसमें भी एक आया और इसमें इसमें भी एक आया। हम कह सकते हैं कि वॉवल्स के आधार पर देख रहे हैं तो इन तीनों में एक एक वॉवल्स हैं, लेकिन इसमें वॉवल्स कितने हैं,
दो हैं, इसलिए वॉवेल्स के आधार पर आपका ये ऑप्शन अलग होगा, ए जो आपका सही होगा ए ऑप्शन, ठीक ना। इसी तरह के दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, आइए हम और देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें कहा इसमें भी आपको वही सेम करना है, इसमें क्या अलग हो सकता है। तो अलग करना होगा तो आप थोड़ा देखिए कि अपोजिट है एक दूसरे के, अगर सी का अपोजिट देखिए बी है, बिल्कुल नहीं है। अगर क्रमांक देख रहे हैं कि ए बी सी लगातार आया है तो ये भी देखते हैं, ये भी क्या लगातार है, डी बी लगातार नहीं है, लेकिन ये तो लगातार है, तो लगातार अर्थात एक सीरीज के आधार पर भी नहीं है। अगर हम इसका देख लें कि अपोजिट, तो अपोजिट भी आपको नहीं मिल रहा है, तो हम इसका थोड़ा क्रमांक लिख कर देखते हैं, इसका होगा एक दो और तीन, ठीक। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ऐड करिए सिक्स मिला ना, इसको भी देख लीजिए ऐड करके चार होगा और दो छः। हम देख रहे हैं एक बात, इनके नंबर को ऐड कर रहे हैं तो छः आ रहा है और इसका भी छः आ रहा है। आगे देखते हैं और क्या होता है, ये दो हो गया ये तीन हो गया, इसको ऐड किया तो पाँच आ गया, थोड़ा डिफरेंट आया है ना। इसको देखिए पाँच प्लस एक छः, हाँ हम ये कह सकते हैं कि तीन ऑप्शन को हमारा ऐसे ए बी और डी जिनको संख्या जिसके क्रमांक को अल्फाबेट के क्रमांक को ऐड करेंगे तो छः आएगा, लेकिन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको क्रमांक को ऐड करेंगे तो छः नहीं आएगा, तो इस आधार पर क्या होगा ये अलग होगा। चलिए दोस्तों आइए और उदाहरण है बेहतरीन, उसको हम देख लेते हैं क्या होगा। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें किस प्रकार का है और क्या संबंध, इसमें देखिए दोस्तों पाँच ऑप्शन दिया गया है और पाँच ऑप्शन में आपको ये चूज करना है कि हमारा जो अल्फाबेट ये जो दिया गया है किस आधार पर में से एक अलग होगा। आइए देखते हैं, अगर ट्रेन है, वीट है, ब्रेन है, प्राउड है और ड्राइवर है, इसमें से कैसे कर सकते हैं। अगर आप अल्फाबेट में कोई भी क्रमांक लेंगे, अगर क्रमांक के आधार पर करिएगा तो टी आर कोई अपोजिट पर पहले देख लेते हैं, टी का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, नहीं होगा। एच का देख लीजिए, एच का क्या होता है, एस होता है ना, इसमें कहाँ अपोजिट है, अपोजिट का आधार पर हम देखने के हो ही नहीं रहा है, तो हम एक विधि लगाते हैं, थोड़ा भॉयल्स के आधार पर देखते हैं। ट्रेन में टी आर ए आई, ए आई दिया है ना, तो दोस्तों देखिए ए आई आपका लगातार भॉयल्स आया है, क्या है, लगातार भॉयल, लगातार भॉयल्स आ रहे हैं ना। इसमें भी देखिए ई ए, ये भी लगातार आया है, दो लगातार आया है कम से कम। देखिए बी आर ए आई, यहाँ भी दो लगातार वॉयल्स आए हैं। देखिए पी आर ओ यू, ओ यू, ओ यू भी आपका वॉयल्स लगातार है। हम देख रहे हैं चार ऑप्शन में तो लगातार वॉयल्स कहीं ना कहीं एक जगह आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें दो वॉयल्स तो हैं ई ऑप्शन में, लेकिन लगातार नहीं है, बीच में क्या आ गया है, वी आ गया है, बीच में वी आने की वजह से ये आपका लगातार नहीं हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, क्योंकि और चारों ऑप्शन में लगातार आ रहे थे लेकिन पांचवा ऑप्शन में लगातार नहीं आए, जिसके कारण से ये हमारा बिल्कुल भिन्न हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। आइए दोस्तों और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देख लीजिए, इसमें कहा क्या है, इसमें भी आपको भिन्न चुनना है, क्या अलग होगा इन चारों ऑप्शन में से, क्या अलग हो सकते हैं, आई सी ई, डी बी, एफ ई और पी डी। पहले सर क्रमांक लिखते हैं, देखते हैं आई का क्या क्रमांक होगा, नौ और सी का हो जाएगा तीन, आपका क्या होगा चार और तो इसका दो हो जाएगा, एफ का सिक्स, ई का फाइव, पी का सोलह, डी का फोर। अब थोड़ा इसमें तुलना करिए क्या हो सकते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं दो का स्क्वायर करेंगे तो चार मिलेगा, इसी प्रकार यहाँ पाँच का भी स्क्वायर होना चाहिए था ना, लेकिन पाँच का स्क्वायर होकर हमको पच्चीस आना चाहिए लेकिन पच्चीस आया नहीं, इसी पर अप्लाई ये भी किए तो चार का स्क्वायर करने पर सोलह तो आ गया। हम देख रहे हैं कि ए बी और डी ऑप्शन जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं एक ही रूल को, लेकिन ऑप्शन सी है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, इनके श्रेणी से बिल्कुल बाहर होगा, हन अर्थात कहने का मतलब इसके ग्रुप में नहीं होगा। आइए दोस्तों इस पर आधारित और भी उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा उदाहरण दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए किस आधार पर अलग होगा। देखिए तो सी ए एक्स जेड, इसी आधार पर क्या क्या हो सकते हैं, आपको हम बताए थे थोड़ा अपोजिट याद करिए, अगर सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, तो हम देख रहे हैं कि सी का अपोजिट एक्स इसमें मौजूद है, और ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा जेड। हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों जो संख्याएं दी हैं जो जोड़ा है
सी का अपोजिट एक्स और ए का अपोजिट जेड मौजूद है। इसमें देखिए पी का अपोजिट क्या होगा के, और एम का अपोजिट, सॉरी यहाँ एन देना चाहिए उसको, जो गलत से दे दिया है ना, एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, एस, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, और पी का अपोजिट के होता है। हम देख रहे हैं कि जो अपोजिट है एक संख्या के बाद आ रहा है, सी का अपोजिट यहाँ ना आकर इसको एक छोड़कर यहाँ आया, एक संख्या बाद आया है। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये तो सही है, लेकिन आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, आई का अपोजिट आर होता है, लेकिन यहाँ एम आया है जो हमारा ये अपोजिट नहीं है, है ना। इसलिए हमारा अपोजिट के आधार पर ये क्या होगा, ऑप्शन डी अलग होगा, ठीक ना। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करें तथा कमेंट करें कि आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।